ब्लड यानी कि रक्त मानव रक्त के बारे में है कि मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होता है। मानव रक्त को दो भागों में विभाजित किया गया, यानी कि रक्त के दो भागों में विभाजित किए गए हैं उसको, प्लाज्मा एवं रक्त कोशिका। प्लाज्मा में 90% तक पानी तथा 10% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं और यह रक्त का लगभग 55% भाग होता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है और यह ताप का नियंत्रण करता है एवं घाव को भरता है। बाकी 45% रक्त कोशिकाएं RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स हैं, जहां पर RBC अधिक मात्रा में, प्लेटलेट्स उसके बाद तथा WBC उसके बाद आता है। मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। प्लाज्मा का कार्य बचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर के भीतर संवहन प्लाज्मा करता है। लाल रक्त कण यानी RBC। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयो उत्तल जैसा कि फिगर में दिख रहा है वैसा होता है। इसमें केंद्रक नहीं होती। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, परंतु भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं पीलिया में होता है। इसका जीवन काल लगभग 20 से 120 दिन के का होता है। श्वेत रक्त कण आकार एवं संरचना अमीबा के समान होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत या पीलिया में होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में रक्त प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखना होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।